मुंबई महानगर पालिका चुनाव 2022 को लेकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया एके कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक हुई संपन्न। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। जी हम बात कर रहे हैं मुंबई महानगर पालिका के चुनाव के देखते हुए रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के एके राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकालजे के अध्यक्षता में सभी जिले स्तर के कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 2022 महानगर पालिका चुनाव को लेकर सभी जिलों और वार्डों में सभी अध्यक्ष व जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में बताया गया। इस महानगर पालिका चुनाव को देखते हुए सभी सीटों पर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रही है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता रमाई, माता भीमाई, यांना द्विवार वंदन। आज आपल्या या ठिकाणी जिल्हा प्रेस येतो, आपली भाषण होतात, सगळं जातात, पण आपल्याला लेखी पाहिजे। तर आपल्या ह्या ठिकाणी हा वार्ड अध्यक्ष, हा तालुका अध्यक्ष, हा जिल्हा अध्यक्ष, तर आतापर्यंत किती लोकांनी किती वार्ड बांधले, किती तालुके बांधले, किती जिल्हे बांधले, त्याचा आढावा बैठक आज आपण घेतली। आणि ही बैठक आपण कशासाठी घेतली की ते आपल्या सर्वांना माहिती पाहिजे की आपले आपण किती मागे आहोत। येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये आपल्याला इलेक्शन लढवायचं आहे तर आपले कोण लोक इच्छुक आहेत इलेक्शन लढवायला, मग त्यांची तयारी झाली की नाही, तर त्यांची कशा पद्धतीने तयारी करायला पाहिजे, ह्याच्यासाठी आज आपली ही बैठक घेतलेली आहे। आणि ह्या बैठकीमध्ये आपल्याला सर्वांनी 23 तारखेपर्यंत सांगितलं की 23 तारीख म्हणजे ह्या महिना पकडा, ह्या महिना शेवटपर्यंत आपल्याला सगळे वार्ड तालुके जिल्हे सगळे बांधले जातील। आणि त्याचे बांधल्यानंतर आपल्याला पुढे अजून कोण कोण इच्छुक लोक आहेत इलेक्शनमध्ये त्याची आपल्याला पुढे तयारी करायची आहे। येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये जास्तीत जास्त लोक आपली कशी निवडून आली पाहिजे त्याच्यासाठी आपण सर्वजण प्रयत्न करायला हवं। आज आपण तुम्ही आलात वेळात वेळ काढून, तसंच तुम्ही पुढची बांधणी 23 तारखेपर्यंत ह्या महिन्या अखेरपर्यंत सगळ्यांनी बांधणी करून घ्यावी ही आपल्या सर्वांना विनंती करतो। आणि मी इथेच थांबतो। जय भीम, जय भारत, जय भीम। आपली जिथं आपण थोडीशी बांधणीला कमी पडतो तिथं कशा पद्धतीने आपलं संघटन बांधलं, भाऊने आपल्या सगळ्यांना सविस्तर असं मार्गदर्शन केलेलं आहे। आणि येणाऱ्या 23 तारखेला सर्वांना इथे दुपारी 1 वाजता सर्वांना भेटायचं आहे। आणि ज्यांनी ज्यांनी जे शब्द दिलेले आहेत, ज्यांनी ज्यांनी जे सांगितलेले आहे, येणाऱ्या 23 जानेवारीपर्यंत आपल्याला प्रत्येक वार्डमध्ये आपला शाखा अध्यक्ष आणि प्रत्येक विभागामध्ये आपला शाखा अध्यक्ष कसा बांधता येईल त्याचं लेखी सगळा आढावा आपल्या राष्ट्रीय अध्यक्षांना द्यायचा आहे। त्यामुळे आजच्या मीटिंगला सकाळपासून जे सगळेजण उपस्थित आहे सगळ्यांचं मनापासून सगळ्यांचा आभार। आणि खूप वेळापासून आपली मीटिंग चालली आणि खरं तर भाऊने ठरवलं होतं की आपल्याला मीटिंग मार्गदर्शनपूर मीटिंग घ्यायची नाही, लोक आपण भाषणं करायची आणि जायचं, पुढचं पाठ मागचं सपाट असं व्हायला कुठं लागलं की काय। म्हणून ते म्हणजे आता प्रत्येक तालुका अध्यक्षाला, वार्ड अध्यक्षाला, जिल्हा अध्यक्षाला चर्चा करू संघटन बांधणीमध्ये कुठं आपण कमी पडतो का, कशामध्ये संघटन बांधणी केली होती, सविस्तर अशी चर्चा अध्यक्ष राष्ट्राध्यक्ष साहेब आपले जे केलेले या निमित्ताने मी एवढं सांगेन भावना आणि मुंबईचे सगळे टीम की आपण भावना जे शब्द दिला की 23 जानेवारीपर्यंत आपला मुंबईमध्ये कोणता एकही वार्ड असा राहता कामा नाही ज्या टिकला आपला वार्ड अध्यक्ष नियुक्त झालेला आहे। 23 जानेवारीपर्यंत आपला सगळ्या 227 वार्डामध्ये 227 वार्ड अध्यक्ष आपले नियुक्त झाले पाहिजे। येणाऱ्या निवडणुकीच्या सामोर जाताना आपला प्रत्येक वार्डामध्ये आपला रिपब्लिकन कार्यकर्ता युवक आघाडी असेल, आपल्याला ज्या ज्या तालुक्यामध्ये तालुका अध्यक्ष त्यांनी महिला पदाधिकारीसाठी अर्ज मागवा। यहाँ पे आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन के हिसाब से जिला, तालुका, वार्ड अध्यक्ष सबकी मीटिंग इधर बुलाई गई थी। जो जो वार्ड में वार्ड अध्यक्ष नहीं है तो उनको मुंबई के सारे लोगों को बुला के कि अपने अपने वार्ड में काम करने के लिए बताया कि सब वार्ड बांध के, सब तालुका, सब जिला बांधने के लिए, जिसके वजह से आने वाली महानगर पालिका के इलेक्शन में हमको फ़ायदा हो, इसलिए हमने इस मीटिंग को बुलाया गया। मुंबई के सारे जिला अध्यक्ष हो गए, दो चार
तालुका अध्यक्ष बाकी है और वार्ड भी ऑलमोस्ट सब हो गए, थोड़े से बाकी है, तो पूरे मुंबई में हमारी पूरी बांधनी हो गई है। तो आप अभी तक 24 तारीख वार्ड हो रहे हैं, तो टोटल वार्ड में आपको नगर से नगर की हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरे के पूरे वार्ड में हमारे नगर से इलेक्शन लड़ाएंगे। वो आगे चल के हम लोग डिसाइड करेंगे, अभी हमारे पास लोग आ रहे हैं बात करने के लिए जैसे, लेकिन अभी हम कुछ नहीं बता रहे। अभी कुछ दिनों में इलेक्शन जैसा जैसा नजदीक आएगा उस समय हम लोग सोचेंगे क्या करना है। जो अभी जो फरवरी में इलेक्शन होने वाले थे दो महीने के साल के लिए, तो उसके लिए क्या जो कोरोना चल रहा है अभी अमरोन जो नया, हाँ कोरोना के वजह से लोग ने पीछे कर लिया है और काफ़ी कोरोना का भी दो दिन से हम लोग देख रहे कि काफ़ी मरीज लोग बढ़ रहे, मतलब 20-25 से अभी 35-40 हो गए, तो वो हिसाब से गवर्नमेंट की जो ये होगी वो हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर उत्तर प्रदेश में भी जो 2022 को लेकर इलेक्शन है निकल रहा है, उसमें तो घोरों से तैयारी और कल चुनाव की पूरी व्यवस्था भी हो चुकी है, क्या उत्तर प्रदेश में ये जो आमतौर का नया वेरिएंट है वहाँ पे नहीं है? नहीं देखो, सब जगह कोरोना है, अभी उस सीएम वहाँ के जो सीएम है उन्होंने जो हिसाब से सोचेंगे वो हिसाब से आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे यहाँ के सीएम जो है उद्धव साहब जी, वो हिसाब से वो आगे किस तरीके से लोगों का फायदा होगा, कोरोना का जो प्रभाव है किस तरीके से कम होगा, वो हिसाब से सब अलग अलग तरीके से डिसीजन लेते हैं। मुंबई में इलेक्शन को क्या रणनीति रहेगी? रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की यही रणनीति रहेगी कि हम लोग देख रहे कि महंगाई बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है और सब जगह पे नोटबंदी के कारण भी बहुत लोगों को तकलीफ हो गई है, तो इस कठिनाइयों का जो हल करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे और आगे चल के आने वाले विषय यही मुद्दे लेके हम लोग आगे लोगों के सामने चले जाएंगे।